हेलो गैजेट फ्लायर्स, गौरव हियर। और रिसेंटली साल 2020 में दो यूएस साइंटिस्ट लुई एनकाडोकी और यूजीन चुडनोव्स्की ने यह दावा किया कि अर्थ की तरह स्टार्स पर भी लाइफ इवॉल्व हो सकती है, वो भी बिना डीएनए के। यस, विदाउट द डीएनए। पर आखिर वो क्या चीज है जो स्टार पे जीवन को जन्म दे सकती है? आखिर वो कौन सा जीव हो सकता है जो सन के तीव्र हीट के बावजूद वहां पर पनप सकता है? Also another fact, कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि स्पेस में हर वो चीज मौजूद है जो एक लाइफ को पनपने और इवॉल्व होने के लिए जरूरी होती है। लेकिन फिर व्हाट अबाउट ग्रेविटी? क्या बिना ग्रेविटी के प्लस टन्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस भी लाइफ स्पेस में पनप सकती है? Well, पनप सकती क्या है, पनप रही है। आज तक करीबन 250 माइक्रोबियल स्पीशीज ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा सालों तक स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर चुके हैं। एंड सिर्फ स्पेस और सन में ही नहीं, बल्कि कॉमेट्स और हमारे स्काई जैसे हार्श कंडीशंस में भी। सो इन्हीं सब खतरों के खिलाड़ी जीवों की अनयूजुअल लाइफ स्टोरीज और साइंस के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे आज के स्पेशल वीडियो में, जिसका टाइटल है इस तरह सितारों पर जीवन विकसित हो सकता है। नाउ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्टार एक आग का दहकता गोला होता है जिसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस जितना हाई होता है। अब इतने हाई टेम्परेचर में वैसे ही मजबूत से मजबूत चीज भी पिघल जाती है, तो ऐसे में लाइफ इमेजिन करना तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड वो भी नॉट जस्ट फॉर अस बट इवन फॉर द कॉस्मोलॉजिस्ट देमसेल्व्स। लेकिन फिर आए ये दो साइंटिस्ट, लुई एनकाडोकी और यूजीन चुडनोव्स्की, जिन्होंने अपनी रिसर्च से स्टार्स पर लाइफ पैदा और इवॉल्व हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी जताई। एंड वो भी किसी बूझते हुए सितारे पर नहीं, बल्कि प्लाज्मा से तपते हुए ब्राइट स्टार पर। नाउ आई नो इट मस्ट बी हार्ड टू डाइजेस्ट, पर अर्थ पर भी ऐसे कई जीव है जिनका सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिनमें से ज्यादातर जीव माइक्रोस्कोपिक है। इनफैक्ट ऐसे माइक्रोब्स पर किए गए कुछ स्टडीज के अनुसार तो ये माइक्रोब्स 3 से ज्यादा सालों तक स्पेस में भी सर्वाइव कर चुके हैं, वो भी स्पेसक्राफ्ट्स के विंडोज पर, द ब्लैक विंडो। एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। एक दिन जब एस्ट्रोनॉट्स रशिया के मीर स्पेस स्टेशन में पृथ्वी के चक्कर काट रहे थे, तब उन्होंने देखा स्पेस स्टेशन के विंडोज पर कुछ ब्लैक सब्सटेंस जमा हो रहा था। जब उन्होंने उसके पास जाके देखा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि वो ब्लैक चीज और कुछ नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज थी। बट ये माइक्रोब सिर्फ स्पेस स्टेशन के ऊपर ही थे या उसके अंदर भी? यही जानने के लिए मीर के अंदर के सर्फेसेस की भी गहराई से जांच की गई। एंड यू आर नॉट गोना बिलीव व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। एस्ट्रोनॉट्स ने उसमें देखा कि स्पेस स्टेशन की जीरो ग्रेविटी में भी बैक्टीरिया, फंगाई और माइट्स जैसे लिविंग बींग्स, माइक्रोब्स की कॉलोनीज हवा में तैर रही थी, वो भी किसी फुटबॉल जितने बड़े लिक्विड बबल्स के रूप में। एंड नो, सिर्फ एक या दो बबल्स नहीं, उन्हें पूरे स्पेस स्टेशन के हर नुक एंड कॉर्नर में, जैसे विंडोज में, पाइप्स में, वायर्स में, सब जगह ऐसे जीते जागते माइक्रोब्स की मिलियंस बिलियंस कॉलोनीज दिखी। यानी बेसिकली इतने बैक्टीरिया थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एलियन इन्वेजन। और अगर सच में ये इन्वेजन होता तो क्या हम टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें हरा देते, जो हमें नॉलेज से मिली है और ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से? बट वेट, व्हाट? स्पेस में जिंदा माइक्रोब्स आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढे बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रहा नहीं गया। उनकी क्यूरियोसिटी अब ये पता लगाना चाहती थी कि माइक्रोब स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं, और इसीलिए इस पर रिसर्च करने के लिए ISS पर मौजूद जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA की टीम ने एक बैक्टीरिया से भरे बॉक्स को 2015 में करीब 3 साल के लिए ISS के बाहर टांग दिया, ताकि ये स्टडी किया जा सके कि क्या ये माइक्रोब्स खुले स्पेस के कॉस्मिक रेडिएशंस जैसे खतरों के बीच कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। एंड इसका रिजल्ट क्या आया? वेल, गेस व्हाट, द बैक्टीरिया नेम्ड डीइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस केम आउट टू बी वन ऑफ दोस टफ गाइस, जो अन्य 250 सिमिलर एक्सट्रीमोफाइल स्पीशीज के तरह करीब 3 सालों तक खुले स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, स्पेस के कॉस्मिक रेडिएशंस जो इंसान के जान के दुश्मन होते हैं और कैंसर कॉज करते हैं, वो तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के बजाय उल्टा उनको एलियन की तरह तेजी से म्यूटेट और इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उनकी सर्वाइवल में मदद करते हैं। क्योंकि जहां मल्टी सेलुलर जीवों की अगली जनरेशन पैदा होने में कई साल लगती है, बैक्टीरिया की अगली जनरेशन हर आधे से 1 घंटे में पैदा हो जाती है। यानी अगर रेडिएशन की वजह से कहीं गलत म्यूटेशन भी हो जाए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर अपकमिंग जनरेशन में वो म्यूटेशन रिपेयर भी हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। ऊपर से डी रेडियो ड्यूरांस जैसे ज्यादातर स्पेस में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरियाज में ये देखा गया है कि इनके पास 1 से ज्यादा कॉपीज होते हैं डीएनए के,
ताकि एक में रेडिएशंस के चलते इररिपेरेबल डैमेज हो भी जाए तो बाकी के कॉपीज उसकी कमी पूरा कर सकते हैं। बट अगर जीव स्पेस में इवॉल्व होकर सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर स्टार्स पे क्यों नहीं? ये है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, द स्टार लॉर्ड। लाइफ को पैदा और इवॉल्व होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डीएनए, लेकिन स्टार्स पर रहने वाले जीव बिना डीएनए के भी पैदा हो सकते हैं, वो भी यूनिवर्स के डिफेक्ट से। कैसे? Well, लुई एंकोरो डोकी और यूजीन चुडनोवस्की का ये कहना है, दिस इज पॉसिबल थ्रू टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स इन द यूनिवर्स लाइक मोनोपोल्स एंड कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, जिनमें से कुछ बिग बैंग के बाद स्टार्स में ट्रैप हो गए। नाउ आई नो ये टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, बट हैंग इन देयर, सब समझ में आ जाएगा। देखो, जब आप गर्म पानी को बहुत तेजी से कूल करते हो ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को प्रॉपरली अलाइन करे और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कांच जैसा क्लियर आइस क्यूब बनाए। सिमिलरली जब बिग बैंग हुआ, तब शुरू के कुछ मिनट्स में ही टेम्परेचर 10^32 या यू कहूं तो 100 quadrillion डिग्री सेल्सियस से कुछ हजार डिग्रीज पर आ गया, जिससे यूनिवर्स का एवर एक्सपैंडिंग स्पेस टाइम फैब्रिक और उसके साथ ही पैदा हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कुछ स्ट्रक्चरल या टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो गए, लाइक रिंकल्स एंड डिप्रेशंस ऑन अ क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। इन्हीं धागेदार रिंकल्स और डिप्रेशंस में जब बिग बैंग से पैदा हुए क्वार्क्स और ग्लुओन्स यानी मैटर का सूप गिरा, तब उन रिंकल्स को कहा गया कॉस्मिक स्ट्रिंग्स और डिप्रेशन से बने मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अब आई नो आप बोलोगे, मैग्नेट एग्जिस्टिंग एज मोनोपोल्स, ऐसा कैसे? सो वेल, यस, ये भी टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स की वजह से ही हुआ है, लेकिन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड इसी डिफेक्ट की वजह से फॉर्म हुए मोनोपोल्स ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज, जिनमें मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के पार्टिकल्स अब अलग अलग थे, जस्ट लाइक हाउ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव प्रोटॉन्स कैन बी सेपरेट। अब क्योंकि यहाँ पर धागा भी है और मोनोपोल्स के रूप में बीड्स भी है, साइंटिस्ट ने देखा कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक इन अ स्टार्स कोर, इन बीड्स को स्ट्रिंग्स के साथ अटैच करके एक आरएनए या डीएनए जैसा इंफॉर्मेशन कोडिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आफ्टर ऑल, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए तीन ही तो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, एक इंफॉर्मेशन कोड करने वाला मॉलिक्यूल जो हमारे केस में डीएनए है, नंबर टू उस मॉलिक्यूल के बनने की स्पीड उसके टूटने की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए ताकि इवेंचुअली वो इवॉल्व होकर अपने आप को टूटने से रोक सके, और नंबर थ्री फ्री एनर्जी जिसे इस्तेमाल करके ये मॉलिक्यूल बने। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम थी, सेकंड और थर्ड के लिए तो स्टार्स के पास सारा साजो सामान था, बट सिर्फ एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या ही कोड कर लोगे? वी एटलीस्ट नीड 4 डिफरेंट बीड्स जो डीएनए के 4 बेसेस की तरह अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए इंफॉर्मेशन को कोड कर सके। सो अब इस पे साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया, सर खपाया एंड वोइला, एक जुगाड़ मिल गया। उन्हें याद आया कि भाई अगर बिग बैंग के वक्त मोनोपोल्स बने थे तो उन्हीं के साथ एंटी मैटर मोनोपोल्स भी तो बने होंगे, लाइक नॉर्थ का एंटी नॉर्थ एंड साउथ का एंटी साउथ। वेल, इन चारों बीड्स को फिर बोला गया सेमी पोल्स, एंड विद दीस 4 बीड्स ऑफ सेमी पोल्स नाउ अ न्यू काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म इज गुड टू गो। सो ऐसे करके साइंटिस्ट ये एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि लाइफ इनसाइड सन इज पॉसिबल, व्हिच एक्चुअली साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? बट इमेजिन करो ये लाइफ फॉर्म आखिर दिखता कैसे होगा, ये एलियन दिखाई कैसा देता होगा। अब देखो यार, ये तो लोगों के इमेजिनेशन का पार्ट है। फिलहाल हम इन्हें 1980s में ऑथर रॉबर्ट एल फॉरवर्ड द्वारा लिखी गई ड्रैगन्स एग इस साइंस फिक्शन नॉवेल के चीला सिविलाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो एक न्यूट्रॉन स्टार पर रहा करता था। नाउ लेट मी गिव यू अ क्लियर डिस्क्लेमर हियर, ये सारी चीजें अब तक सिर्फ पेपर पर प्रूव हुई है, किसी ने अब तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे लाइफ फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने का एक रास्ता जरूर साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, जिसमें वो सितारे की जीवन काल से इस प्रेजेंटली काल्पनिक जीव का पता लगाने वाले हैं, लाइफ ऑफ स्काई। सो एक मजे की बात यह है भाई लोग कि किसी सितारे पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स और मोनोपोल से बनी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इसे हम सितारों के रंग से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं स्टार्स का कलर डिपेंड करता है उनमें बचे हुए फ्यूल पर। अगर उनका ये फ्यूल उन सितारों के अलावा कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी लाइट नॉर्मल रेट से ज्यादा तेजी से डिम होने लगेगी और वो येलो से रेड से व्हाइट में तब्दील होने लगेगी। लेकिन ये फ्यूल स्टार के अलावा कंज्यूम और कौन करेगा? वेल, जो भी लाइफ फॉर्म वहां पर रह रही होगी, ऑब्वियसली वो अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट स्टार से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि स्टार की सारी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी जिससे वो ठंडा पड़ जाएगा। इसी के साथ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि इतनी एनर्जी को कंज्यूम करके वो लाइफ फॉर्म्स इंसानों से भी कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व होंगे, जिसका अगेन एज सच कोई प्रूफ उन्होंने अब तक दिया नहीं है। सो
why not talk about something jiska kuch proof hai, like life on comets. Recently, the European Space Agency के Rosetta mission से ये पता चला है कि comets में भी life critical elements जैसे कि carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur और phosphorus मौजूद होते हैं, जिन्होंने chemical combination से पृथ्वी पर बड़े biological molecules जैसे DNA, RNA, proteins, etc. को जन्म दिया. In fact, पृथ्वी का 98% living matter तो actually इन्हीं elements से मिलकर बना है. अब इसके अलावा scientists का ये भी मानना है कि अगर इन एलिमेंट्स के साथ ही कॉमेट्स जो 40% वाटर आइस से बने होते हैं उनका पानी भी मिल जाए तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन और ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से इस पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ आए, उसी तरह बाकी के लाइफ क्रिटिकल एलिमेंट्स भी साथ आकर कुछ बायोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं. एंड ये एकदम इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है. इनफैक्ट 2014 में नासा के साइंटिस्टों को तो वाइल्ड 2 नाम के कॉमेट के डस्ट में एक फुल्ली फॉर्म्ड एमिनो एसिड भी मिल चुका है. एमिनो एसिड जो बेसिकली प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. एंड इसीलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कवरी के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब थिया के टकराने के बाद इवेंचुअली पृथ्वी ठंडी हुई तब शायद ये कॉमेट्स ही रहे होंगे जिन्होंने दूर दराज से कई सारे ऑर्गेनिक मैटर को लाकर अर्थ पर डंप कर दिया होगा. यानी अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या कॉमेट्स की वजह से अर्थ पर लाइफ इवॉल्व हुई है. आपका इस पर क्या विचार है और क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि स्टार्स जैसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में भी लाइफ पैदा हो सकती है? वेल, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट्स. और आप फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिखने वाले ये वीडियोस को भी चेकआउट करना टू गेन सम मोर नॉलेज. सब्सक्राइब फॉर मोर. गेट्स रिप्लाई साइनिंग ऑफ. जय हिंद.